हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है बॉल पेन। हाँ, बॉल पेन के बारे में आपको जानकारी तो बहुत होगी, मगर ये जो बॉडी पार्ट्स है अंदर की रिफिल, उसके रिफिल के अंदर जो इंक होती है उसमें केमिकल्स क्या क्या होते हैं, वो पूरी डिटेल इस टॉपिक में आज आपको दूंगा। और वो भारत में कौन कौन सी कंपनियाँ बॉल पेन बनाती है, इसकी भी पूरी डिटेल्स में इस टॉपिक में आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बॉल पेन। इंडिया में सबसे पहले बॉल पेन बनाने वाले इंसान का नाम है आचार्य मानुकुरी श्रीनिवास। इन्होंने सबसे पहले बॉल पेन बनाया था जो इंडिया में पहले बनाया था, और दुनिया में सबसे पहले बॉल पेन जॉन जे लॉर्ड ने बनाया था जो 13 अक्टूबर 1880 में बनाया था। 1880 13 अक्टूबर 1880 में जॉन जे लॉर्ड ने बॉल पेन बनाया था, जो दुनिया में पहला इंसान था जो बॉल पेन बनाया था। मगर उन्होंने जो बॉल पेन बनाया था उस बॉल पेन की बेयरिंग में एक कोटेड लेयर थी, जो हमेशा उस कोटेड लेयर से वो बॉल पेन की बेयरिंग ढकी थी। और वो जो कोटेड लेयर होने के कारण वो पेन हम जब भी कागज़ पर लिखते थे वो अच्छी तरह से लिख नहीं पाता था। उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए सेकंड साइंटिस्ट ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद वो कुछ साल चल गया, मगर उसने जो मॉडिफाई किया था वो भी पेन पेपर्स पर लिखने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। बाद में थर्ड साइंटिस्ट ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के वजह से वो पेन अब कागज़ पर लिख सकता है। उस साइंटिस्ट का नाम है मार्सेल बीच। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जो उनकी कंपनी 1915 में लॉन्च हुई थी। ये कंपनी 2006 में बहुत फेमस थी और आज भी है। इस कंपनी में सितंबर 2006 में 100 बिलियन से भी ज़्यादा पेन बेचे थे। और उन्होंने अपना एक सर्वे किया तो उनको पता चला कि उनका हर एक प्रोडक्ट 56 प्रति सेकंड में ऑल ओवर इंडिया बिक रहा था। अब देखते हैं पेन में जो इंक होती है बॉल पेन में उसके बारे में। उस इंक में बेंजील अल्कोहल या फेथोल ऑक्साइड जैसे द्रव होते हैं, जो इंक को जल्दी से जल्दी सुखाने के लिए उसकी मदद होती है। और उसमें फैटी एसिड भी होता है, जिसके कारण हम जो बॉल पेन में जो छोटा बॉल होता है 0.5 का, वो स्मूथली हम यूज़ करते हैं। और इंक जल्दी तभी सूखते हैं जब हमारा पेन 0.5 का होगा या 0.7 का होगा, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा पेन 0.7 का होगा तो उसका डायमीटर 0.5 से ज़्यादा होगा, या हमारा पेन 0.5 का होगा तो 0.7 से कम होगा। इस पर भी डिपेंड करता है कि इंक कितनी देर बाद सूखेगी। ये बात हुई इंक के बारे में। अब बात करते हैं उसकी बाहर की बॉडी के बारे में और रिपिल के बारे में, जो अंदर के और बाहर में जो डिफरेंस होता है। जो बाहर की बॉडी हार्ड होती है, अंदर की रिपिल थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, उसमें कंटेंट क्या होते हैं ये देखते हैं। बाहर की फाइबर बॉडी बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। जो कंपनी यूज़ करते हैं उस प्लास्टिक का नाम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्योंकि वो प्लास्टिक एक बार गर्म किया और बाद में कूल करने के बाद वो हार्ड बन जाती है। हार्ड बन जाते हैं मतलब वो एक प्रकार का परमानेंट ही है। परमानेंट मतलब जब हम उसको हीट रिमूव करते हैं उस प्लास्टिक के अंदर से, मतलब वो कूल होते हैं, वो परमानेंटली हार्ड होते हैं, और बाद में हीट देने से फिर से फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा प्लास्टिक है ये। और रिफिल बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं, मगर उसमें ज़रा कंटेंट अलग होते हैं। इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं पॉलीथीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है, और विंडले रीजन भी होता है जिसके कारण प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होने में इसको मदद होती है। इससे रिफिल और फ्लेक्सिबल चीज़ें बनाते हैं इस प्लास्टिक से। यही प्लास्टिक यूज़ कर और इसमें जो कंटेंट है यही यूज़ कर वो कंपनियां रिफिल बनाती है। भारत में ऐसी 5 कंपनियाँ हैं जो बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग करती है। फर्स्ट कंपनी है माइक्रोन टिप्स प्राइवेट लिमिटेड, जो गुजरात में सूरत में है। सेकंड कंपनी है इंडियन रिटर्न इंस्ट्रूमेंट
प्राइवेट लिमिटेड जो महाराष्ट्र में बॉम्बे में है, और थर्ड कंपनी है फेस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कलकत्ता में है, और फोर्थ है सेल्लो पेन स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड, ये मुंबई में है। सेल्लो तो आपको पता ही है, आप महाराष्ट्र में ये ज़्यादा फेमस होने के कारण सभी लोग सेल्लो का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और फिफ्थ है यूनिट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये पांच कंपनियां हैं जो भारत में बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग करती है और कुछ देशों को ये ट्रांसपोर्ट भी करती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मैं इसी तरह अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा, और मुझे पता है मैं फर्स्ट टाइम मैं वॉइस यूज़ करके वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी तो दिक्कत आएंगी, तो आपका सपोर्ट चाहिए। और वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में बताना, और आपका कोई टॉपिक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।